काम जितना। पिछली बार एक नारा निकाला गया था यहाँ पर कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म तो नहीं करा लेकिन खुद भ्रष्ट बन गए। वो किस तरीके से बन गए, आप खुद यहाँ पर हमारे कार्ड में आए हैं, पधारे हैं, आपका स्वागत है। आपने गलियों में कूड़ा इकट्ठा हुआ देखे होंगे। जो वर्तमान चेयरमैन है उसी के घर के पास में एक और चौराहा है जिसको कांड का चौराहा कहा जाता है, बड़ी बाजार का। वहाँ पर कूड़े का इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है कि जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती चली जा रही हैं कांड में। आपने डेंगू का भी नाम सुना है, डेंगू काफ़ी हद तक पार हो चुका है। अभी पीछे वाले ही मोहल्ले में गली पश्चिमी में दो बच्चियों का देहांत हुआ था डेंगू की वजह से। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पैसों की उन्होंने दलाली इतनी ज़्यादा करी है, सरकार से इतनी ज़्यादा कमीशन खाई है कि बस पूछिए ही मत। इतनी ज़्यादा कमीशन खाई है कि यहाँ पर जितने भी पुराने खंभे लगे हुए थे उन पर अपना नाम पोत दिया और गली चौराहे जो बने हुए थे उस पर अपना सिलाइंस वाला जो है पत्थर लगा दिया। बताते हैं कि ये मैंने सिलाइंस करा। क्या आज तक यहाँ पर बिजली नहीं थी? बिजली थी, मानते हैं आपने थोड़ा सा कारोबार यहाँ पर बढ़ा दिया बिजली का कार्यकाल में अपने 5 साल के, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करके दिखाया जिससे हम कहे कि विकास हुआ है। हाँ, विकास इतना तो जरूर कह सकता हूँ, उन्होंने अपना विकास कराया, अपना ये मकान को बनाया है जिसमें 18 कमरे हैं, अपना मुर्गी फार्म बनाया है क्योंकि उनके पास कोई धंधा नहीं था, अपना एक भट्टा लगाया है ईंटों का इंटरलॉक का क्योंकि उनके पास कोई धंधा नहीं था, वो दोनों भाई बेरोजगार थे, दो क्या जितने भी भाई हैं सब बेरोजगार थे। उन्होंने अपना रोजगार तैयार कर लिया बल्कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित में कोई भी कार्य नहीं कराया। कॉलोनी आई थी गरीबों के लिए, उन्होंने कॉलोनी का सारा पैसा लाइट में ट्रांसफर कराकर पीओ से मिलकर सारा पैसा लाइट में ट्रांसफर करा दिया और कोई भी गरीब को कॉलोनी नहीं दी। राशन कार्ड